Good evening, dear students. Dear students, in our class third, Maths, the chapter is Who is Heavier? And under this chapter, today we are going to learn about estimation of various objects correspondingly. Means, dear students, all of you know that uh, in our previous uh, videos and uh, in our earlier online classes, I have taught you about the uh, idea of. वेट्स ड्यूर मैम डी स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में वेट्स को किस तरीके से फील करते हैं मतलब हाउ मच इज़ वन के जी एंड हाउ मच इज़ टेन के जी एंड वट अ डिफरेंस बिटवीन द वेट्स विद रिस्पेक्ट टू साइजेज एंड शेप्स आई हैव टॉट यू अबाउट ऑल ऑफ दिस इज इंट इट एंड टूडे सो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टिमेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स वीरियाज ऑब्जेक्ट्स मीन्स आप देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स का जो वेट्स है उनका आपस में डिस्कस है ठीक है तो चलिए आप इसमें क्वेश्चन है आपके पास सबसे पहले तो क्वेश्चन पड़ा करिए आप लोग है ना क्वेश्चन इसमें क्या करना है आप लोग अक्सर पूछते हैं तो वो सबसे बैड हैबिट हमें लगती है सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है गेस देअर वेट्स एंड मैच कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको इसमें दिख रहे होंगे इसमें एनिमल्स भी हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसमें आपको इनका वेट गैस कर रहे हैं वेट गैस करना का मतलब तो आप सबको समझ में आता होगा मतलब अनुमान लगाना है है ना एस्टिमेशन एक तरह से और फिर इसको मैच करना है ठीक है तो देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे लिखा हुआ क्या क्या है लिखा है टेन के जी फोर लेस देन वन के मोर देन वन थाउजेंड के जी एट्टी के जी एंड टू के जी और अगर इन ऑब्जेक्ट्स की हम लोग बात करें एनिमल्स की बात करें इसमें दिखाई क्या क्या दे रहा है आपको देखिए छोटा सा फ्रूट दिखाई दे रहा है इसके अलावा एक बिग एनिमल यानी कि एलिफेंट आप सब जानते हैं बहुत ही हैवी होता है तो हैवी एलिफेंट है यहाँ पे एक छोटा सा पपी है दिस इज़ नॉट डॉग ये डौग का बेबी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिएगा का बेबी इनकी पपी है इसको देखेंगे तो यस दिस इज सैक यानी कि बोरा दिस इज काव एंड दिस इज a केस आप सबको दिखाई दे रहा है अब हम इनको मैचिंग करनी है कौन किससे match मैच करेगा एस्टिमेशन के साथ तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है आपको Yes। सबसे बड़ा दिखाई दे रही है इसमें आपको एलिफेंट अब ये एलिफेंट आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा यानी कि इसका सबसे ज्यादा वेट होगा अब हम देखेंगे इनमें से सबसे ज्यादा वेट कौन सा है ऑफकोर्स ये बात है मोर देन वन थाउजेंड के जी ये सबसे ज्यादा वेट यानी कि एक हजार किलोग्राम से भी ज्यादा है न? दैट मीन्स कि वी विल मैच द एलीफेंट विथ मोर देन वन थाउजेंड के जी ईजी नेक्स्ट थिंग में अगर हम जाएँगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम चाहेंगे दैट इज़ लेस देन एलीफेंट एंड शेप में जिसका या साइज जिसका एलिफेंट थोड़ा सा छोटा है यावी जो हैवीपन है उसका एलिफेंट से कम है दूसरा है काओ आप लोग देख रहे हैं तो काओ का वेट क्या हो सकता है तो चलिए जो रिटर्न है उसमें हम लोग देखते हैं कि सेकेंड नंबर में कौन सा है सेकेंड नंबर में इधर से काव है तो इधर से है फोर हंड्रेड के जी तो हम लोग मैच करेंगे काओ को फोर हंड्रेड के जी से इजी अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स बचते हैं इनमें ये फ्रूट बहुत छोटा है पापी भी छोटा ही है अब है सैक और सूटकेस अब इनमें हमें देखना है कि कौन भारी है राइट right? अब जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बचे हुए हैं इसमें से आप देखेंगे कि फ्रूट सबसे छोटा है यहाँ पे टू किलोग्राम सबसे छोटा है नहीं सॉरी लेस देन वन के जी वन किलोग्राम से भी कम ये सबसे छोटा है तो फ्रूट को हम लोग इससे मैच करा देते हैं ठीक क्या बचा हुआ है हमारे पास बचा है एट्टी के जी टू के जी और टेन के जी ठीक अब टू के जी क्या हो सकता है आप लोग सोचिए क्या हो सकता है टू के जी बताइए देखिए केस अगर अगर आप लोग कोई बच्चा कहता है कि मैम ये टू के जी का है तो वो भी एक तरह से गलत नहीं है बट हम इसको जर्नलाइज करके देखेंगे ध्यान से सुनिएगा बेटा हम प्रॉपर इस चीज़ को किसी भी बच्चे को गलत या सही नहीं कह सकते इन चीज़ों को छोड़ के जो हमने पहले मैचिंग कर दी है तीन चीज़ आपके पास है पपी सूटकेस और सैक इन तीनों में से आप कोई भी किसी को भी लेके प्रॉपर तरीके से सही और प्रॉपर तरीके से गलत नहीं हो सकते बहुत सारे कंसेप्शन आपके साथ इसमें आएंगे कोई बच्चा कह सकता है कि मैम या, कोई बच्चा कहेगा मैम मेरे सैक जो है ये दिख रहा है इसके अंदर ना बड़े बड़े से ब्रिक्स भरी हैं स्टोन्स भरे हुए हैं पत्थर भरे हैं तो हाँ ऑफकोर्स ही बात है ये भारी हो गया है ना किसी ने कहा इसमें चावल भरा है किसी ने कहा मैम इस पर गेहूँ भरा हुआ है तो ऑफ कोर्स ही बात है ये भारी हो गया है किसी ने कहा चीनी भरी है ये भारी हो गया है बहुत अब इतना बड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि बड़ा है साइज का भी तो ये टू के जी नहीं हो सकता है ना टेन के जी भी नहीं पत्थर पत्थर रखे हैं तो एट्टी के जी हो गया तो उस बच्चे ने उसको एट्टी के जी से मैच कर दिया लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या बोला दूसरा बच्चा कहता है नहीं मैम इसके अंदर तो कागज भरा हुआ है बच्चा देखिए ना बहुत स्मार्ट होते हैं कोई भी गलत इसलिए नहीं कह सकते किसी ने कहा इसमें कागज़ भरा हुआ है कागज भरा हुआ है दैट मीन्स कि बहुत ही हल्का हो गया सैक हल्का हो गया तो इसमें से हम किसके साथ मैच करेंगे फिर हम इसको टू के जी के साथ मैच करेंगे तो ये भी गलत नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कह सकते हैं और दूसरे ने कहा कि मैम ब्रीफ केस जो है इसमें सामान रखा हुआ है सामान रखा हुआ है, हैवी हो गया इतना भी हैवी नहीं है तो 80 के भी नहीं है 2 के बहुत हल्का हो गया तो चलो 10 के मान लेते हैं ये दिस इज़ टेन के और क्योंकि ये पपी है डॉगी का बेबी है डॉग का तो बहुत ही हल्का होगा क्योंकि बेबी है तो इसको टू के से मैच करा देते हैं तो बेटा मैंने आपको कंसेप्शन और मिसकनसेप्ट सब कुछ इसमें समझा दिया है कि जो डेफिनेट था एलिफेंट का मोर देन वन थाउजेंड के जी डेफिनेट था इनमें से यही हो सकता है काओ का फोर हंड्रेड के जी यही हो सकता है और फ्रूट का टू लेस देन वन के जी यही हो सकता है बाकी जो है वो मिसकंसेप्शंस में भी चल सकते हैं कोई कह सकता है मैम डॉगी टू के जी नहीं है मेरा जो डॉगी है इनकी पपी है जो मेरा वो तो बहुत भारी है मोटा है बहुत खाता है ज़्यादा है वो टेन के जी का होगा छोटा है बट भारी है है ना तो हम गलत नहीं मान सकते किसी ने कहा मेरा सूटकेस तो खाली है कुछ नहीं है इसके अंदर है ना और जिस स्टफ़ से ये बना हुआ है बहुत ही हल्का है तो वो टू के जी भी हो सकता है तो बाकी ये तीनों चीज़ें आपको आ, किसी से भी मैच करा सकते हैं बट इन केस हम लोग जनरलाइजेशन में जाएंगे जनरल वे में जाएंगे एक जनरलाइज हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर ये भरा हुआ है ये सूटकेस है तो टेन के जी का है ये भरा हुआ सैक रखा हुआ है तो ये एट्टी के का हो गया क्योंकि इसके बगल में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ यहाँ पे सामान दिखाया गया यानी कि इसमें कुछ भरा हुआ है कौन सा कागज़ कूगज तो नहीं है लेकिन इसमें कुछ ग्रेन्स हैं है ना तो इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं अच्छे से हैवी वाला है यानी कि एट्टी के है गुड वन अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ वो है गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट देन वन किलोग्राम एंड विच वन विल वेट लेस देन वन किलोग्राम अगेन ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं स्कूल बैग जोमेट्री बॉक्स ब्रिक पम्पकिन एंड स्लीपर्स आपको गैस क्या करना है इसमें से कौन वन के जी से मोर है और कौन वन के जी से लैस है कौन भारी है एक किलोग्राम से और कौन वन किलोग्राम से लैस है तो सबसे पहले बैग की बात करेंगे योर स्कूल बैग अगेन मैं कहना चाहूँगी अगर नॉर्मली स्कूल बैग की बात की जाए तो उसमें आपका टिफिन होता है है ना खाना भरा होता है एक लीटर की पानी की हैवी बॉटल भी आप लोग उसमें तो ले कर चलते हैं और आप इसके अलावा क्या लेके चलते हैं उसमें आपकी कॉपीज होती हैं बुक्स होती हैं तो हम मान सकते हैं दैट इज़ मोर देन किलोग्राम अगर किसी बच्चे ने कहा लेस देन किलोग्राम वो भी नहीं है वो भी गलत नहीं है क्योंकि उस बच्चे ने कहा मैम उस दिन तो हमारा फंड डे था हमें तो कुछ कॉपीज मंगाई नहीं थी हमने तो सिर्फ टिफिन था और पानी की भी मैं छोटी बॉटल लेके गया किसी ने कहा मैं टिफिन भी पानी की बॉटल भी नहीं लेके गया सिर्फ टिफिन तो मेरा तो वन के जी से कम है वो भी गलत नहीं है बिल्कुल एस्टिमेशन है ये तो ऐसा क्योंकि नहीं लिखा हुआ है कि पूरी तरह से इसमें सामान क्या क्या है बट हम जनरलाइजेशन के साथ इसमें आगे चल रहे हैं नेक्स्ट थिंग इज ज्योमेट्री बॉक्स जोमेट्री बॉक्स ऑफ कोर्स सी बात है ये तो फिक्स है आपका लेस देन वन के जी है ना लेस देन वन के जी नेक्स्ट है ब्रिक सबको पता है ब्रिक भारी होती है तो ये हो जाएगा आपके पास मोर देन वन के जी पंपकिन अगेन बहुत भारी होता है तो ये भी आ जाएगा मोर देन वन के जी नेक्स्ट वन इज स्लीपर सबको पता है स्लीपर हल्की होती है इसलिए लेस देन वन के जी तो चलिए स्टूडेंट्स ये आपने देख लिया है बाकी सब तो डेफिनेट सोल्यूशन वाले लगभग आंसर है बट इसमें से मोर देन वन के जी वाला जो ये बैक वाला आंसर है अगर ये कोई बच्चा लेस भी लिखता है तो वो भी गलत नहीं है नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा आप लोगों के पास यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज हैवियर आप सबको मालूम है कि मैंने आप सबको एक बैलेंस बनाने के लिए दिया है और आप बच्चों ने बैलेंस बनाए भी हैं और जितने बच्चों ने बनाए हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है इसको मेजर करना आराम से आप घर में बैठ के इंजॉय करिए और इनको आपस में वेट करते रहिए जैसे कि पहला वाला दिखाया गया है अ वाटर बॉटल और ए क्रिकेट बॉल इन दोनों में से कौन हैवी है ठीक है थीके? एक तरफ आप वाटर बॉटल रख लीजिए यानी कि बॉटल में पानी भरा होना चाहिए ठीक है वाटर बॉटल पानी भर के रखिएगा कैप लगा कर इसमें तो पानी लग रहा है गिर रहा है बट आप लोग कैप लगा के रखिएगा और दूसरी तरफ है क्रिकेट बॉल तो अब आप लोग खुद ही मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि दोनों में से कौन सा हैवी होगा आप खुद ही इसको मेजर करके एक्सपीरियंस जरूर करिएगा ठीक है वैसे आपको बताना चाहूँगी कि क्रिकेट की बॉल अगर आप कभी हाथ में पकड़ के देखिएगा अच्छी हैवी होती है क्रिकेट की जो बॉल होती है ना बहुत ही भारी होती है ठीक है तो इसका ध्यान के चलिएगा और हो सकता है कि कोई किसी बच्चे ने वाटर बॉटल जो प्लास्टिक की नहीं ली हो दूसरे मेटल की ली हुई है तो वो उसको आपस में कंपेयर भी कर सकता है हो सकता है कि उसका इक्वल लगभग आ जाए ठीक है तो आप ये डिपेंड्स ऑन यू आप वेरी करेगा आपका आंसर आप क्या चीज आप यूज कर रहे हैं वाटर बॉटल में नेक्स्ट योर शूज़ और योर पेंसिल बॉक्स देखिए बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही इंजॉय करने वाले हो आपको उसको बैलेंस करके वेट करके तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट बॉल जनटाइज वे में देखेंगे तो क्रिकेट बॉल हैवी होती है शूज़ और पेंसिल बॉक्स में शूज़ आपका हैवी होगा है ना योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक अब इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगी आपको आप लोग खुद ही अपने हिसाब से इसको वेट करिएगा कि कौन सी दोनों में से हैवी आ रही है आपकी ठीक है ऑफ कोर्स ये बात है जो ज्यादा मोटी होगी वो ही हैवी होगी अब क्योंकि मैथ्स की बुक थोड़ा सा आपकी ज्यादा है हैवी है मतलब मोटी है ज्यादा पेजेस हैं उस पर तो मैथ्स की बुक हैवी है तो मैंने मैथ्स लगा लिया बट आप लोग इसको चेक जरूर करिएगा नेक्स्ट वन इज योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग आपका बैग भारी है कि आपके फ्रेंड का अगेन ये कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंडिविजुअली आप लोगों पे डिपेंड करते हैं आपके ज़्यादा सामान है तो आपका बैग भारी है भारी है और आपके फ्रेंड्स के पास ज़्यादा बैग में सामान रखा हुआ है तो उसका आपके फ्रेंड का बैग ही भारी है चलिए बेटा आज के लिए इतने ही थैंक यू एवरी वन बाय बाय घर में रहिए सुरक्षित रहिए कोरोना से बच के रहिए बाय बाय